हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फेडरलिज्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फेडरलिज्म मतलब कि एक ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट का जिसमें गवर्नमेंट के ही पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिवाइड किया जाता है इनटू टू और मोर देन टू लेवल्स, मतलब दो या दो से अधिक लेवल्स में इसको डिवाइड किया, इसके पावर को डिवाइड किया जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इंडिया में भी है सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो कि पूरे इंटायर कंट्री होल कंट्री पे वर्क करता है, जबकि जो स्टेट गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो केवल स्टेट पे ही वर्क करता है। कोई भी मैटर होता है तो उस अगर पूरी कंट्री की बात है तो उस पे जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वही वर्क कर सकता है, बट अगर कोई मैटर डे टू डे मैटर कोई हो रहा है स्टेट में हो रहा है तो उस पे स्टेट गवर्नमेंट ही इंटरफेयर कर सकती है, कोई भी मतलब उस पे स्टेप ले सकती है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं हुआ। जबकि अगर ये सेंट्रल लेवल पे कुछ हो रहा है, कोई भी मैटर हो रहा है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही इंटरफेयर कर सकती, स्टेप ले सकती है। जैसे कि जो फेडरलिज्म होता है उसमें दो या दो से अधिक लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, जिसमें कि उनके पावर को दो लेवल या फिर उससे ज़्यादा लेवल पे डिवाइड किया जाता है। फेडरलिज्म में और यूनिटरी गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो फेडरलिज्म गवर्नमेंट होती है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो भी हो वो मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं, वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनमें एक दूसरे पे वो उंगली नहीं उठा सकते हैं ना ही कि उनको इंटरफेयर कर सकते हैं। जबकि जो यूनिटरी गवर्नमेंट होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट में भी सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट होता है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट होता है जिसे हम लोग स्टेट गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे पूरी तरह से मतलब कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे रोक टोक लगा सकता है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, जबकि हमने फेडरलिज्म में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। फेडरलिज्म में दोनों गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट होते हैं, उनमें कोई भी किसी पे भी डिपेंड नहीं होता है, जबकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिपेंडेंट होता है, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी वैसा ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगा, यही है यूनिटरी गवर्नमेंट। जबकि फेडरलिज्म में ऐसा कुछ नहीं होता, फेडरलिज्म में सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा कर चाहती है वैसा कर सकती है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है और स्टेट गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। लेकिन ये दोनों ही गवर्नमेंट जो फेडरलिज्म के ये दोनों बोथ गवर्नमेंट हैं, इसमें लोग इंटरफेयर कर सकते हैं, पीपल इंटरफेयर कर सकते हैं, इसमें वो इनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है ये एक दूसरे से क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते हैं, किसी पे उंगली नहीं उठा सकते हैं।